हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे मित्रा चैनल पर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन समझाऊंगी जो आजकल के पेपरों में आ रहे हैं, और वो बहुत इजी है। आप समझते हो कि वो बहुत मुश्किल है, नहीं हम नहीं कर पाएंगे ऐसे सोचते हो, तो आप कर पाओगे पर अभी समझा दूंगी। ओके, यह हमने उठाया है SSC, RRB, बैंकिंग, CGL, एक्सेट्रा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। सिंपलीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। अब हमारा ये क्वेश्चन है और इतने आपको ऑप्शन दिए, उनमें से आंसर सोचो क्या होगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। सर है ऑप्शन ए। पूछो क्यों? क्योंकि इनमें कितना फर्क है, इनमें एक का फर्क है ना, तो एक का फर्क है तो 98 हमने यहाँ लिख दिया। अब कितने 9 है हमारे पास? 3 9, तो 3 यहाँ लिख दो आंसर। इतना सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन कर देना, तो ये है आपका राइट ऑप्शन। इस पे टिक करो, ये सबसे इजी तरीका है ना, ये बहुत इजी तरीका। आप सेकंड क्वेश्चन भी तुरंत कर दोगे इनमें। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको ये संख्या दी गई हुई है, तो आपको इसका आंसर बताना है, ABCD। और इसमें ये वही है, वैसा ही है, बट इसमें 3 संख्या दी गई हुई है। उस बार क्या था? 98 था, और यहाँ पे क्या था? 99 था, और अब की बार ये आगे 9 और 9। तो जल्दी जल्दी कर दो, 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। टाइम आपका टाइम चला गया, नहीं बता पाए ना। इसका आंसर है सी ऑप्शन। ये सिंपल ही तो था, वैसा ही था ये बस। अब हम थर्ड क्वेश्चन। सिंपलीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। अब हमारा ये क्वेश्चन है और इतने आपको ऑप्शन दिए, उनमें से आंसर सोचो क्या होगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। इनमें कितना अंतर? 4 का अंतर है, नहीं बता पाए ना। इसका आंसर है 998, इसका 998 यहाँ लिख दिया हमने। तो आप इस एक लाइन को मान लो 10। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हमने यहाँ ले जाके 6 उतार दी। अब कितना बचा था हमारा उसमें संख्या में? 99 बचा था ना, तो 99 यहाँ उतार के लिख दिया। सिंपल, बस खत्म आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इनको यूं ही ले लेते हो, मुश्किल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नंबर 4, सिंपलीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें आपको फ्रैक्शन निकालना है, ABCD ऑप्शन दी हुई है, इनसे आंसर बताओ। 30 सेकंड का टाइम देती हूँ।
टाइम्स आप नहीं बता पाए ना, इसका आंसर है बी। पहले तो आप इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आप पहले ये करो, ये सिंपल सा कराया था ना, कितने इसमें कितने हमने काट दिए था, ये इससे करेंगे तो इससे हम इसको काट देंगे, क्योंकि 5 और 5 कट जाए। ये कट गया और 99 हमने यहाँ लिख दिया, और कितने 9 थे 3 9 थे, तो उनकी 0 आंसर आपका 99,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, मैं इसमें भी आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगी, आप फटाफट करके दिखाओ कि इसका क्या आंसर है। Your times up, नहीं कर पाए ना, इसका आंसर है बी ऑप्शन। ये इधर इससे कट जाएगा और इधर 99 लिख के मान कितना 3 है, तो उनकी 3 0 लगा दो, आंसर आ गया आपका 99,000। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगी। इस क्वेश्चन को आपको पूरा को नीचे उतारना है, और ये जो है यहाँ पे बस प्लस का निशान लगा दे, ट्रिपल लाइन प्लस 98 99 ब्रैकेट, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करना है, मल्टीप्लाई बाय 99। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट दो ब्रैकेट लगेंगे यहाँ, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, 1000 - 1। और फिर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, अब की बार ये वाला नहीं लगा, ये वाला संख्या के लास्ट में लगाना है मल्टीप्लाई से पहले, 100 + 98 / 99, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 99। अब हम इस संख्या को दोबारा लिखेंगे, 1000 - 1 ब्रैकेट 99 + 98 / 99 मल्टीप्लाई बाय 99। ये दोनों एक है, इनको हमने ऐसे कर दिया, अगर कोई भी नंबर सेम हो, अगर यहाँ भी 99 होता, इधर भी 99 होता, तो ये पूरी संख्या कट जाती। अभी ये सेम आया, ये कट, पूरी इसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 99,000। इसके बाद माइनस में 99 + 98 = 99,000 को हमें 1 माइनस करना है, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये इसे क्या, इसके पास भी नहीं, 9 ऐसे कैरी लेगा, इसका क्या बन जाएगा। पहले तो इन दोनों को 10, फिर ये कटेंगे यहाँ पे, इसका पूरा 10, इन्होंने इसको दिया, इसका कट के बन गया 8। अब 10 में से 1 9 में से इधर कुछ नहीं है, तो ये भी सेम आ जाएगा, और फिर ये 8, और फिर 9 के नीचे भी कुछ नहीं, 9 आपका ये। सो ए पार्ट इज करेक्ट, कि मेरा आंसर करेक्ट है। इस तरह कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप इसी तरह कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल में समझाऊंगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के 1000 - 1, फिर ब्रैकेट बंद करना। अगर बंद नहीं करोगे तो सिर्फ आप 1 1 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 1 से 99 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ब्रैकेट लगाया तो आप दोनों से मल्टीप्लाई करो, जरूर ब्रैकेट लगाना। अब प्लस और ये क्वेश्चन, और ये जो अभी यहाँ तक जितना क्वेश्चन है ना, वो सारा उतार, और बस ये वाला लास्ट में, ओके। अब हम ये उतारेंगे, और ये क्या होता है, बटा, ये बटे कहते हैं, 494 बटे में 495, उसके बाद मल्टीप्लाई लगा के फिर से 99, उसके बाद प्लस और 1/5, अभी हो गया। और अब हमने 99 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 99,000 माइनस में 99, उसके बाद हमें फिर से लिखना, बटे में 494
पाई प्लस बटे में 494 और बटे में 495। 99 से मैंने 495 को काट दिया। फिर ये जो 1 है मैं उसे 4 में ऐड कर दूंगी क्योंकि ये दोनों 5-5 हो गए। ये 5 जा पे गया तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगी और ये दोनों 5-5 हो गए तो इसलिए मैं ये जो 1 है उसको मैं 4 में ऐड कर दूंगी। तो ये 4 क्या बन जाएगा, कट के 5 बन जाएगा। 4 क्या बन जाएगा, 5। तो ये क्या हो गया, इसको मैं दोबारा लिख के बताती हूँ। प्लस 49 बटे में 5, ये पीछे का प्लस बस सारा है। अब मैं दोबारा लिख के बताती हूँ, आपको इसमें साफ समझ नहीं आया होगा तो इसलिए मैं दोबारा लिख के बताती हूँ। 99,000 माइनस में 99 और उसके बाद प्लस में बटे में 495 और इधर ओनली 5 क्योंकि हमने इधर से काट दिया था और इसकी जगह क्या बचा। 495 को मैं 5 से काट रही हूँ इसलिए ऊपर 99 आ जाएगा, इसका कट के 99 आ जाएगा। तो अभी तो फिर से सेम हो गए, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आंसर बिल्कुल बराबर है 99,000। आंसर इतना इजी था, जबकि मैम पढ़ाती है ना उसे तो बिल्कुल इजी था। ये माइनस 99 है प्लस 99 है, वो दोनों कट जाएंगे क्योंकि हमने उन्हीं से, अब बचा क्या, तो 99,000। तो देयर विल बी आंसर, तो आंसर इज द बी ऑप्शन। मैंने सही बताया था कि देयर विल बी अ बी ऑप्शन 99,000। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि वो वीडियो को देख सके और आप भी देख सको। मेरे 3 चैनल्स हैं, उन तीनों को भी सब्सक्राइब करना, @mitra, @mjmitra, @lamitra, ताकि आप अच्छी वीडियो को देख सके और आपका ब्रेन जो है वो बढ़े। सो बाय बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्लास नंबर 4।